हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। किचन के लिए शॉपिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम किचन के लिए कोई भी चीज़ खरीद तो लेते हैं, लेकिन अगर वो ख़राब निकले तो लंबे समय तक हमें वही चीज़ यूज करनी पड़ती है। इसीलिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमें उसकी अच्छे से जाँच करनी चाहिए, ताकि आगे जाके हमें कोई नुकसान ना झेलना पड़े। मैं हमेशा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी जाँच करती हूँ, उसके डिटेल्स और प्राइस चेक करके ही कोई भी चीज़ खरीदती हूँ। मार्केट में प्लास्टिक का, वुडन का, बांस का, सिरामिक का, ऐसे कई तरह के चॉपिंग बोर्ड्स अवेलेबल है। कुछ सस्ते हैं तो कुछ महंगे हैं। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और एक एक करके सारे चॉपिंग बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको चॉपिंग बोर्ड खरीदने में आइडिया मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड के बारे में। प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड बहुत ही सस्ता और टिकाऊ होता है, 200 से 300 रुपए में मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक साल से ज़्यादा यूज़ करने की सलाह मैं नहीं दूंगी। प्लास्टिक फूड ग्रेड होना चाहिए, रोज़ अच्छे से साफ करना चाहिए और वीकली एक बार तो डिसइंफेक्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको पॉसिबल है तो वेजिटेबल्स के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड यूज़ करें और मीट के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये मेरे पास एक था, बहुत पुराना है, ये मेरा बच्चा क्ले से खेलने के लिए अभी यूज करता है, लेकिन इस टाइप के प्लास्टिक बोर्ड में स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसमें बैक्टीरिया फंस जाती है और ऐसे छोटे छोटे कण उसके निकलते हैं और वो खाने में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए एक साल से ज़्यादा प्लास्टिक का बोर्ड नहीं यूज करना चाहिए। और प्लास्टिक के बोर्ड को डिसइंफेक्ट करने के लिए नमक और बेकिंग सोडा इसे रब करें और गर्म पानी से वॉश करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांस यानी बाम्बू के चॉपिंग बोर्ड के बारे में। ये चॉपिंग बोर्ड काफ़ी पॉपुलर है, ये इको फ्रेंडली होते हैं, इनका वज़न भी बहुत कम होता है। लकड़ी की चॉपिंग बोर्ड की तुलना में ये कम लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं और लकड़ी के बोर्ड के जैसे ही सैनिटरी होते हैं। बांस के बने बोर्ड बहुत ही सख्त होते हैं, इसलिए उन पर चाकू खराब हो सकता है। बांस का चॉपिंग बोर्ड खरीदते समय ये ध्यान रखें कि बिना जॉइंट वाला ही चॉपिंग बोर्ड खरीदें, क्योंकि रोज़ रोज़ गीला होने की वजह से उनके जॉइंट निकल जाते हैं और उनमें फंगस भी लग जाता है। ये मेरे पास एक पुराना चॉपिंग बोर्ड है, इस तरह से इधर का जॉइंट उसका निकल गया है, ये भी निकल रहा है और इसमें फंगस भी लग जाता है, ये ऐसे ही गंदा हो जाता है। तो बिना जॉइंट वाला ही चॉपिंग बोर्ड खरीदे। बांस के चॉपिंग बोर्ड को साफ करने के लिए, उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए नमक और नींबू से रब करें, बाद में गुनगुने पानी से वॉश करें और सूखने पर उसे तेल में रखकर रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुडन चॉपिंग बोर्ड यानी लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड के बारे में। ये चॉपिंग बोर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं लकड़ी का ही चॉपिंग बोर्ड अभी यूज़ करती हूँ। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और ये हेल्थ के लिए भी सेफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें स्क्रैचेस भी बिल्कुल नहीं आते हैं और चाकू भी इससे ख़राब नहीं होता है। और वुडन चॉपिंग बोर्ड बांस के चॉपिंग बोर्ड के तुलना में थोड़े महंगे होते हैं। ये मेरे पास एक लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड है, अभी मैं यही यूज़ करती हूँ। इस पर भी स्क्रैचेस आते हैं लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं होते हैं और आप ही गए तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये इस टाइप का है, वुडन चॉपिंग बोर्ड की सफाई तो रोज़ करनी चाहिए, लेकिन महीने में एक दो बार इसे डिसइंफेक्ट भी करना चाहिए। इसके लिए नींबू और नमक साथ में लेकर उस पर रब करें और थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दें, बाद में थोड़ा सा स्क्रब करके अच्छे से वॉश कर लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टील के चॉपिंग बोर्ड के बारे में। प्लास्टिक और लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड के कंपेरिजन में स्टील के चॉपिंग बोर्ड ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं और इसके स्क्रैचेज भी ज़्यादा नहीं आते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनमें फंगस भी नहीं लगता है और आसानी से साफ भी हो जाते हैं और इस पे चाकू भी ख़राब नहीं होता है। स्टील की चॉपिंग बोर्ड में स्टील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह मार्केट में सिरेमिक और ग्लास के चॉपिंग बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं,
लेकिन इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। सो आई होप इस वीडियो से चॉपिंग बोर्ड खरीदने के लिए दिए गए आइडियाज़ और इन्हें साफ़ करने के लिए दिए गए टिप्स आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।